आज हम प्लस वन बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये वास्तव में स्टार्टिंग है प्लस वन की। आज से हम पहला चैप्टर करते हैं, सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड। ये जो पहली यूनिट है ये टैक्सोनॉमी की यूनिट कहलाती है। ये टैक्सोनॉमी ब्रांच है। टैक्सोनॉमी का मतलब है क्लासिफिकेशन। एंड आइडेंटिफिकेशन। इसमें क्लासिफिकेशन किसी ऑर्गेनिज्म का पहचानना, इसके अलावा उसका नोमेनक्लेचर, ये सभी कुछ आ जाता है। टैक्सोनॉमी जो वेरी बिग ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें क्लासिफिकेशन का हर एस्पेक्ट आ जाता है। इसमें आपकी बुक में एक नाम दिया है, उसको भी आप ध्यान रखेंगे, अर्नेस्ट मेयर। ये फेमस टैक्सोनॉमिस्ट हुआ है, इसको हम डार्विन ऑफ 20th century भी कहते हैं। अर्नेस्ट मेयर इज कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th century। आप इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपकी एनसीईआरटी बुक में है, उसको पढ़ेंगे। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं, हु इज कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th century। 20th century का डार्विन कौन है? तो इसका नाम है अर्नेस्ट मेयर। अब ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, हम इसको लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जितने लिविंग बींग हम सबको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। लिविंग बींग को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स। एवरी लिविंग बींग दैट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे लिविंग बींग्स हैं, जो सारे के सारे सभी लिविंग बींग्स। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि लिविंग बींग किसको कहें, हम ऑर्गेनिज्म किसको माने, हु इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं, कौन ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म के कुछ डेफिनेट करेक्टर होते हैं, तब हम उसको ऑर्गेनिज्म कहेंगे, जिसमें ये बहुत सारे करेक्टर होंगे। सबसे पहला करेक्टर लिविंग बींग का आता है ग्रोथ। और लिविंग बींग में जो ग्रोथ है वो इंटरनल होती है, अंदर से होती है, द ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। ये इंटरनल ग्रोथ है, लिविंग बींग दो तरह के होते हैं, सेल के बेस पे हम इनको यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। आप जानते हैं द ऑर्गेनिज्म में है सिंगल सेल और मैनी सेल। अगर एक सेल है तो यूनिसेलुलर कहेंगे, और बहुत सारी सेल है तो क्या कहेंगे, मल्टीसेलुलर। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सेल, ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल है, अगर वन सेल है यूनिसेलुलर, मैनी सेल है तो मल्टी सेलुलर। जिस ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल्स हैं उसको हम कहेंगे मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में द साइज ऑफ सेल ग्रो, इन यूनिसेलुलर द साइज ऑफ सेल इनक्रीज, सेल की साइज बढ़ता है, छोटी सेल से बड़ी हो जाती है। जैसे कि आप देखें अमीबा में, बैक्टीरिया में पहले अमीबा इतना था, सेल उतनी रहेंगी, अभी अमीबा धीरे धीरे थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा, इसकी यही सेल बड़ी हो जाएगी। दिस इज द इंक्रीज इन साइज, साइज ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, नंबर सेम है, नंबर सेम, एक सेल थी तो सेल एक ही रहेगी, ये ग्रोथ है यूनिसेलुलर में। मल्टीसेलुलर में नंबर ऑफ सेल भी बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, दोनों तरह से ग्रोथ हो सकती है, नंबर ऑफ सेल भी बढ़ सकते हैं, सेल का साइज भी बढ़ सकता है यूनिसेलुलर में। मल्टीसेलुलर में दोनों तरह से होता है, उनमें सेल का साइज भी बढ़ता है, सेल की नंबर भी बढ़ती है, लेकिन यूनिसेलुलर में केवल साइज बढ़ता है, नंबर कभी नहीं बढ़ता, क्योंकि नंबर बढ़ेगा तो वो दो सेल हो जाएंगे, वो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, वो ऑर्गेनिज्म नहीं रहता, देयरफॉर इन केस ऑफ यूनिसेलुलर। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म है मल्टीसेलुलर में, सभी मल्टीसेलुलर में वास्तव में सभी मल्टीसेलुलर सिंगल सेल से राइज होते हैं। अगर आप देखें
ऑल मल्टी सेलर राइज फ्रॉम द सिंगल सेल। हम जानते हैं ओवम एक सेल है और ये ओवम में डिवीजन होता है माइटोसिस, और ये डिवीजन के बाद फिर उससे सेल की संख्या बढ़ती चली जाती है और बहुत सारी सेल बनती है, फिर उसमें डिफरेंशिएशन होता है, अलग अलग सेल से अलग अलग तरह की पार्ट बन जाते हैं, इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। द सेल डिवाइड्स एंड ड्यू टू सेल डिवीजन दे ऑल फॉर्म मैनी सेल्स, और ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंट तरह की सेल बन जाती है एक ही तरह की सेल से, इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो मल्टी सेलर में डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन के बाद जो सेल बनती है वो सेल पेरेंटल सेल से डिफरेंट होती है, ये प्रोसेस है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जो है वो मल्टी सेलर में होता है, ये इंपॉर्टेंट करेक्टर है, यूनिसेलर में डिफरेंशिएशन नहीं होता। यूनिसेलर में जो सेल है वो एक ही तरह की होती है, एक ही सेल है, और वो सिंगल सेल होने की वजह से उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होता। ये जो सेल डिवीजन है मल्टी सेलर का, ये डिफरेंशिएशन की वजह से उनकी जो अलग अलग सेल है उसमें अलग अलग सेल अलग अलग पार्ट बन जाते हैं, डिफरेंट सेल फॉर डिफरेंट पार्ट। कोई पार्ट ब्रेन बना रहा है, कोई पार्ट हार्ट बना रहा है, कोई पार्ट उसकी ऑर्गेनिज्म के कोई स्किन बना रहा है, कोई पार्ट मसल्स बना रहा है, देयरफॉर डिफरेंट पार्ट फॉर्म डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, उसका इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन। मल्टी सेलर में डिफरेंशिएशन होता है, यूनिसेलर में डिफरेंशिएशन नहीं होता, हम इसको नहीं देख सकते आसानी से, लेकिन आप सभी जानते हैं उस ओवम के अंदर कुछ भी नहीं होता, लेकिन बाद में वो ओवम से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं और उसमें वो ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं कुछ टाइम के बाद। तो ये एक करेक्टर है ग्रोथ का, सभी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, सभी ऑर्गेनिज्म पहले साइज में छोटे होते हैं, धीरे धीरे उनका साइज इंक्रीज हो जाता है, ये करेक्टर कहलाता है ग्रोथ। सभी ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टी सेलर हो, एक ग्रोथ उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई सारे इवेंट होते हैं। ऑर्गेनिज्म में सब में ग्रोथ इंटरनल होती है, जबकि नॉन लिविंग में ग्रोथ होती नहीं, या होएगी तो एक्सटर्नल होगी। इन नॉन लिविंग द ग्रोथ इज एक्सटर्नल ग्रोथ इन नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, वो एक्सटर्नल होती है। दूसरा करेक्टर आता है रिप्रोडक्शन, द सेकेंड करेक्टर इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब है टू फॉर्म देयर ओन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, वो अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा करता है। अब जानते हैं कि चूहे के चूहे पैदा होता है, कुत्ते के कुत्ते पैदा होता है, बंदर के बंदर पैदा होता है। तो ये जो इस तरह का प्रोडक्शन है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा करना, इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हर ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपी बनाता है, अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाता है, वो उसके जैसे तो पूरी तरह से नहीं होते, थोड़ा डिफरेंस तो आता, वेरिएशन तो है, लेकिन बनेगा वही। हम जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के उसी तरह का ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, ये प्रोसेस कहलाती है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो ऑर्गेनिज्म अपनी तरह के होते हैं, उसी तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक पक्षी के पक्षी पैदा होंगे, मेंढक के मेंढक पैदा होगा, कुत्ते के कुत्ता पैदा होगा। तो ये इस तरह की जो प्रोसेस है, और इसमें एक्चुअली दिस इज ड्यू टू डीएनए। इसका कारण क्या है, डीएनए है। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, आगे पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में कि डीएनए हर ऑर्गेनिज्म का फिक्स है। जो डीएनए आदमी में होता है वो डीएनए चूहे में नहीं होता, जो डीएनए चूहे में होता है वो कुत्ते में नहीं होता। उसमें कई वेरिएशन है, उसमें कई फर्क है, उसके जीन डिफरेंट है, उसमें सिक्वेंस में अलग है, जिसकी वजह से ये डिफरेंस होता है। तो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे वो बनाए। रिप्रोडक्शन चाहे एसेक्चुअल हो चाहे सेक्चुअल हो, रिप्रोडक्शन में भी एसेक्चुअल और सेक्चुअल दोनों तरह का रिप्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन हर रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म बनाएगा, चाहे वो कोई हो, चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टीसेलर हो, सब में इस तरह का वो बनाएगा, जिसकी वजह से उनकी पॉपुलेशन बढ़ती रहती है। तो रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म, इसी पे हम स्पीशीज की डेफिनेशन देते हैं। वास्तव में स्पीशीज एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की, और इसकी डेफिनेशन रिप्रोडक्शन के आधार पर हम देंगे। स्पीशीज इज कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज किसको कहेंगे, स्पीशीज ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोडक्शन के बाद फर्टाइल ऑर्गेनिज्म बनाए, उनको हम कहते हैं स्पीशीज। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म
विच रिप्रोड्यूस टू फॉर्म फर्टाइल ऑर्गेनिज्म। And are reproductively isolated from such other similar organism। ऐसे similar organism से different हैं, देखने में तो ऐसे लगेंगे लेकिन उनसे different हैं, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, तो इनको हम कहेंगे स्पेसीज। और ये स्पेसीज की कंसेप्ट मेयर ने दी थी, अभी हमने शुरू में जिक्र किया था, मेयर वाज डार्विन ऑफ द 20th century। तो ये स्पेसीज की डेफिनेशन किसने दी? मेयर ने दी। तो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म अपने जैसे कॉपी करता है, अपने कोई भी नॉन लिविंग कभी रिप्रोडक्शन नहीं करता, केवल लिविंग में रिप्रोडक्शन करते हैं, नॉन लिविंग में कभी रिप्रोडक्शन नहीं होता। अगला करैक्टर आता है मेटाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन, जितनी टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिज्म में होती है उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में बहुत तरह की रिएक्शन होती हैं, उन रिएक्शन को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी है? एक एनाबॉलिक है और दूसरी कैटाबॉलिक है। एनाबॉलिक कंस्ट्रक्टिव होती है, जिनमें कोई पदार्थ ऐड होता है, कुछ बनता है, जैसे फोटोसिंथेसिस है, CO2 और पानी मिलके जुड़ के ये कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, ये सिंथेसिस है, तो इसको हम कहेंगे एनाबॉलिक। और कैटाबॉलिक में डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कम्प्लेक्स सिंपल में टूट जाता है, जैसे आपने किसी भी फूड मटेरियल को, ग्लूकोज को आपने ऑक्सीडेशन से तोड़ दिया, जो ग्लूकोज हमने खाई, जब इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो ये टूटेगी CO2 और वाटर में, ये प्रोसेस कहलाते हैं कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक से हमारा वजन घटता है, इसको हम कहते हैं डी ग्रोथ। कैटाबॉलिक से होती है डी ग्रोथ और एनाबॉलिक से होती है ग्रोथ। एनाबॉलिक रिएक्शन से ग्रोथ होती है, एडिशन होता है, कैटाबॉलिक से डिस्ट्रक्शन होता है, डी ग्रोथ होती है। दोनों रिएक्शन लिविंग बींग में होती हैं, एनाबॉलिक भी और कैटाबॉलिक भी, दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों रिएक्शन के कॉम्बिनेशन में ये पता लगता है कि ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ेगा कि घटेगा। तो ये दोनों रिएक्शन एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, ये सारे मिला के, दोनों को मिला के हम क्या देते हैं? मेटाबॉलिक। ये दोनों रिएक्शन मिला के मेटाबॉलिक। अब इससे हमें पता लगेगा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है लिविंग बींग का। अगला करैक्टर आता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सभी लिविंग बींग्स में सेल पाई जाती है, विदाउट सेल लिविंग बींग पॉसिबल नहीं है, चाहे एक सेल हो चाहे बहुत सारी सेल्स हो, चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, दैट कैन नॉट लिव विदाउट सेल। उसके अंदर सेल होनी जरूरी है, दैट मे बी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, बट विदाउट सेल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सर्वाइव। उसको ऑर्गेनिज्म नहीं मानते। आप जानते होंगे वायरस में सेल नहीं है, इसलिए वायरस को हम बॉर्डर केस मानते हैं, ना उसको लिविंग मानते ना उसको नॉन लिविंग मानते। जिसमें सेल है वो लिविंग होता है, जिसमें सेल नहीं होती वो नॉन लिविंग होते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग बींग की, दैट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल के अंदर सारी प्रोसेस होती हैं, सेल ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये भी लिविंग बींग का इंपॉर्टेंट करैक्टर है सेल का। इसके बाद अगला है स्टिमुलस रेस्पॉन्स एंड कॉन्शियसनेस। स्टिमुलस
रेस्पॉन्स। हर ऑर्गेनिज्म किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के लिए रिएक्शन करता है। गर्मी लगती है कुछ रिएक्शन करेगा, सर्दी लगती है कुछ रिएक्शन करेगा, टेम्परेचर पे या वाटर पे या किसी लाइट पे, तो इसको कहते हैं रेस्पॉन्स। किसी भी स्टिमुलस के लिए रेस्पॉन्स लिविंग बींग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता। अब जानते हैं कि जब हमें गर्मी लगती है तो हमें अपने आप पसीना आ जाता है, स्वीटिंग हो जाती है अपने आप। इस तरह शिवर में ये कोल्ड में शिवर शिवरिंग दैट इज द रेस्पॉन्स, शिवरिंग ड्यू टू कोल्ड। शरीर में कहीं कोई चीज चुभे तो हम फीलिंग होती है, ये एक इंपल्स चलती है, तो ये जो फीलिंग है ये कॉन्शियसनेस है। दिस कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंट करेक्टर है ये कॉन्शियसनेस। इसके बाद न्यूट्रिशन भी है, सभी लिविंग बींग को फूड की रिक्वायरमेंट होती है, बिना फूड के लिविंग बींग सर्वाइव नहीं करते, इसी से उन्हें एनर्जी प्राप्त होती है। गैसियस एक्सचेंज भी होता है, रेस्पिरेशन दैट इज ऑल्सो ए गुड करेक्टर ऑफ द लिविंग बींग। एक्सक्रीशन भी है, वेस्ट मटेरियल शरीर में बनते हैं वो शरीर से बाहर निकालते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है अपनी 10th क्लास में। एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ वेस्ट है, दैट इज द रिमूवल ऑफ वेस्ट। इसके बाद ट्रांसपोर्ट भी है, पूरे शरीर में फूड मटेरियल का एक ऑर्गन से दूसरे में ट्रांसपोर्ट चलता रहता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, अच्छा मल्टी सेलुलर में एक डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मल्टी सेलुलर में सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं सिस्टम, और सिस्टम से बनते हैं ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनाइजेशन है, और सेल बनती है सेल ऑर्गेनल से, और सेल ऑर्गेनल के अंदर होते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल बनते हैं एटम से। ये ऑर्गेनाइजेशन है लिविंग बींग में, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे, मॉलिक्यूल से सेल ऑर्गेनल बनेंगे, सेल ऑर्गेनल से फिर आगे सेल बनेंगी, सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से सिस्टम बनेंगे, फिर ऑर्गेनिज्म बनेगा। इसको हम कहते हैं डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन। लिविंग बींग में ये ऑर्गेनाइजेशन है मल्टी सेलर में, यूनिसेलर में केवल यही आगे रुक जाते हैं, इसको कहते हैं लोअर ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेलर में, सिंगल सेल है, सिंगल सेल ही सारे काम करती है, तो वहां डिविजन ऑफ लेबर भी नहीं होता। मल्टी सेलर में बहुत सारी सेल्स हैं, हर सेल का अलग अलग काम है, तो वहां पे डिविजन ऑफ लेबर होता है। और बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ लिविंग बींग। बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लिविंग बींग। लिविंग बींग की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी मानते हैं, अरिस्टोटल इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी इसी को मानते हैं। बायोलॉजी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, इंट्रोडक्शन में आज मैं आपको बता दूं। बायोलॉजी का जितना स्कोप है इतना स्कोप किसी भी ब्रांच का नहीं है। बायोलॉजी आज मल्टीपर्पज और बहुत स्कोप वाली ब्रांच है। बायोलॉजी का मेडिकल के अलावा बहुत ज़्यादा स्कोप है। नॉर्मल आदमी क्या सोचता है, बच्चे क्या सोचते हैं, आप भी क्या सोचते हैं, हमने कि बायोलॉजी पढ़ी है हम MBBS कर लेंगे, BAMS कर लेंगे, या और कोई इस तरह का कोर्स कर लेंगे। लेकिन वास्तव में इस कोर्स से आगे भी बहुत से कोर्स हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं होती। हम केवल एक ही कोर्स पे जाते हैं, प्लस टू करेंगे और प्लस टू के बाद किसी नीट के थ्रू हमारा MBBS में एडमिशन हो जाएगा। मैं आपको फिर किसी लेक्चर में बताऊंगा, आगे बहुत सारी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, फोरेंसिक साइंस है, बड़ी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, बड़ी डिटेल ब्रांच है जिनमें डॉक्टर से ज़्यादा आमदनी है, और डॉक्टर से ज़्यादा आराम है, अच्छी नौकरी है।
लेकिन एक बहुत गंभीर प्रॉब्लम जो बायोलॉजी में है कि यहाँ केवल अच्छा बच्चा चाहिए, इंटेलिजेंट बच्चा चाहिए, क्योंकि सीटें लिमिटेड होती हैं, इसमें खर्चा बहुत होता है और वो खर्चा गवर्नमेंट करती है। एक मेडिकल कॉलेज बनाने में कई करोड़ रुपए लगते हैं और वो कई करोड़ रुपए सरकार ने लगाने होते हैं, तो इसलिए वो अच्छे बच्चों के लिए वो सीटें कम हैं तो अच्छे बच्चों का सिलेक्शन होता है, नॉर्मल बच्चे का सिलेक्शन उसमें नहीं होता। ये इसका एक ड्रॉबैक है। तो ये हमारे लिए एक इसकी वो है बायोलॉजी की। तो इसमें जो ये लिविंग बींग में, सभी लिविंग बींग में, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टीसेलुलर हो, सब में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन लिविंग बींग के बीच में, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सभी ऑर्गेनिज्म की। आइसोलेशन में कोई ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता। अगर सभी जानवरों को मार दे, सभी पेड़ पौधों को मार दे, तो आदमी भी मर जाएगा, आदमी रह नहीं सकता। तो लिविंग बींग में इंटरेक्शन है आपस में, ये इस तरह से सर्वाइव करते हैं कि एक दूसरे की इनको सपोर्ट चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट करैक्टर थे लिविंग बींग के। तो लिविंग बींग की जो स्टडी है वो बायोलॉजी, और बायोलॉजी के हम दो मेन ब्रांच करते हैं, एक जूलॉजी एक बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल की स्टडी करते हैं, बॉटनी में हम प्लांट की स्टडी करते हैं। बॉटनी का फादर थियोफ्रेस्टस को मानते हैं, जूलॉजी का फादर एरिस्टोटल को मानते हैं। तो ये हमारे करैक्टर थे लिविंग बींग के। इसके बाद इसमें अगला टॉपिक आता है, इसमें डाइवर्सिटी इन द लिविंग बींग। अगर हम देखें एक रफ एस्टिमेट में, हम ये मानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में हैं, जिनमें 1.2 तो हम एनिमल मानते हैं और 0.5 के लगभग हम प्लांट मानते हैं। अब आप अपने चारों ओर इतने तरह के ऑर्गेनिज्म देखते हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितने तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे चारों ओर हैं। द ऑर्गेनिज्म आर ऑफ डिफरेंट टाइप, आप देखेंगे कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, किसी के पूंछ है, किसी के नहीं है, किसी के चार पैर हैं, किसी के पैर ही नहीं है, किसी के कान हैं, किसी के नहीं है, तो किसी की शेप कोई है, किसी का कलर कोई है, ये सारा वेरिएशन कहलाता है। तो ऑर्गेनिज्म में जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं वेरिएशन। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट इन मैनी रेस्पेक्ट, उस डिफरेंस को हम वेरिएशन कहते हैं। तो इतना वेरिएशन ऑर्गेनिज्म में है कि आप इसको सोच नहीं सकते। तो हम इसका डिटेल फिर अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।